गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति द्वारा आचार्य ने शिक्षकों की भर्ती सहित जुदा जुदा प्रश्नों मुद्दे छेल्ला केटलाक समिति विरोध और रजूआत कर रहा है। तेम छता सरकार द्वारा कोई योग्य कार्यवाही नहीं करवामां आवता आज रोज छठा तबक्काना कार्यक्रम में गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति आदेश मुजब भरूच जिला सहित अंकलेश्वर शहर और तालुकाना आचार्य शिक्षकों ने शैक्षणिक और बिन शैक्षणिक कर्मचारी अंदाजे 2000 થી વધુ શિક્ષકો બાળકો અભ્યાસના બગડે તે માટે 17 ઓગસ્ટના 24 બ ઓગસ્ટ દરમિયાન બ્લોક સપ્તાહ રૂપે કાળા કપડાં પહેરી વિરોધ નોંધાવશે। શિક્ષકો શિક્ષણ બચાવો, ગુજરાત બચાવો, ગ્રાન્ટેડ શાળા બચાવો, શિક્ષકોની કાયમી ભરતી કરો, બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ ક્લાર્ક અને પટ્ટાવાળાની ભરતી કરો, કાયમી ભરતી કરી શિક્ષણ સુધારો, શિક્ષણ માટે શિક્ષણને સ્વતંત્ર કરો, शिक्षक ने अन्य कामगिरी में मुक्ति आपो जेवी पड़तर मांगणियों ने लई विरोध प्रदर्शित कर रहा है। आ अंगे श्रीमती MTM गर्ल्स हाईस्कूल शिक्षक और भरूच जिला उच्चतर मध्यम शिक्षण संघना महामंत्री महेश पटेले जणाव्युं हतुं, अमारी वर्षो विविध मांगणी पड़तर छे जे अंगे सरकार द्वारा योग्य निराकरण लावी नथी। विधानसभा पूर्व अमारी मांगणियों स्वीकारी होवा छता आज दिन सुधी परिपत्र करवामां आवी नथी, जेने लई अमारो आ विरोध चाली रह्यो छे। ज्यारे सुधी अमारी मांगणी संतोषाशे नहीं त्यां सुधी तबक्कावार अमारो विरोध जारी रहेशे। शिक्षण सिवाय कोई कामगीरी अमने सोंपवामां न आवे अने खास करी चूंटणी समये BLOની कामगीरी अमने सोंपवामां आवे छे जे ना आपवामां आवे ते अमारी मांग छे, कारण के एक कामगिरी ने लई बाळकोना शिक्षण पर सीधी असर पड़ी रही छे। गुजरात राज्य शैक्षणिक संकलन समिति ना आदेश मुजब 17/8/2024 थी 24/8/2023 सुधी ब्लेक सप्ताह उजवानो आयोजन करवामां आव्युं छे। ए दरमियान अमे शिक्षणने असर न थाय ए रीते ब्लेक कपड़ा पहेरीने विरोध करीए छे। अमारी सरकार समक्ष केटलीक मांगणीओ छे। विधानसभाना इलेक्शन पहेला जे अमारी मांगणीओ स्वीकारवामां आवी हती एना परिपत्र करवामां नथी आव्या। टीचरोनी भरती नथी थती, क्लार्कनी भरती नथी थती अने पटावाळानी भरती नथी थती। बीजું કે શૈક્ષણિક સિવાય બીજા ઘણા બધા કામો અમારે કરવા પડતા હોય છે, જેવી કે BLO। હવે કોઈ જગ્યાએ શાળાની અંદર 4 જ ટીચર હોય છે અને 3 ટીચરને BLOના હુકમ આપવામાં આવેલા હોય છે, તો એ શાળા ચલાવી કે પછી બંધ કરવી, કોઈપણ દેશ કે રાજ્ય માટે આરોગ્ય અને શિક્ષણ એ પાયાની વ્યવસ્થા છે। આપણી આ સંવેદનશીલ સરકાર મને એવું લાગે છે કે શિક્ષણ પ્રત્યે અસંવેદનશીલ બની છે।